हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कोटा पटना एक्सप्रेस, जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कोटा पटना एक्सप्रेस के बारे में, जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है। ये जो ट्रेन है हफ्ते में 4 दिन चलती है, हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को ये कोटा से पटना के बीच में चलती है। अगर हम बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये कोटा से आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी होते हुए पटना में जाके अपनी यात्रा जो है ख़त्म करती है। कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है, इसका ट्रेन नंबर है 13240। वैसे ये हफ्ते में 7 दिन चलती है, पर वाया सुल्तानपुर होकर ये 4 दिन चलती है, 3 दिन जो है वाया फैज़ाबाद होकर चलती है। कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है, हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलती है और इस ट्रेन का नंबर है 13240। 27 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करती है और इसके तकरीबन 25 स्टेशंस हैं और 1222 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 45 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है उसके कोचेस के बारे में, तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कोटा से पटना तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर ले। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 2050 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1410 रुपये, स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 520 रुपये। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है 290 रुपये के करीब है। ये अपडेटेड किराया नहीं है, सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें या टिकट काउंटर पर जाकर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी शामिल है, यानी कि रसोई अनकक्ष, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको टिकट के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होता है ट्रेन के अंदर ही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है, इसका टाइम टेबल क्या है। दोस्तों, ये जो ट्रेन है कोटा जंक्शन राजस्थान से हफ्ते में 4 दिन चलती है। कोटा जंक्शन से ये शाम को 6:10 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को ये रवाना होती है पटना जंक्शन के लिए वाया सुल्तानपुर। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है इंदरगढ़, सुमेरगंज, मंडी। यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 7:05 पे पहुँचती है और 7:07 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सवाई माधोपुर जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:43 पे और 7:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कोटा पटना एक्सप्रेस जो है वो नारायणपुर टटवारा स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:25 पे और 8:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गंगापुर सिटी में पहुंचती है रात के 8:45 पे और 8:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हिंडौन सिटी में पहुँचती है रात के 9:35 पे और 9:37 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बयाना जंक्शन में पहुँचती है। बयाना जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 10:10 पे पहुँचती है और 10:12 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजस्थान के आखिरी स्टेशन भरतपुर जंक्शन में पहुँचती है रात के 10:58 पे और 11:00 वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा जंक्शन में पहुँचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 12:15 पे पहुँचती है और 30 मिनट बाद 12:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आगरा कैंट में पहुँचती है रात के 2:15 पे और 2:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजा की मंडी स्टेशन में पहुँचती है रात के 2:45 पे और 2:47 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है टुंडला जंक्शन में पहुँचती है सुबह के 4:10 पे और 4:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है वो कानपुर सेंट्रल में पहुँचती है सुबह 7:05 और 7:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग स्टेशन में पहुंचती है। लखनऊ चारबाग में ये ट्रेन जो है सुबह 8:45 पे पहुंचती है और 9:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है वो निहालगढ़ में पहुँचती है सुबह 11:51 पे और 11:53 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुल्तानपुर जंक्शन में पहुँचती है 12:45 पे दोपहर को और 12:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन में पहुँचती है दोपहर के 3:45 पे और 3:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर
पांच मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ये ट्रेन जो है, सॉरी 10 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या मुगल सराय में पहुंचती है शाम के 4:56 पे और 5:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जमानिया स्टेशन में पहुंचती है, जमानिया स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 5:47 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1057 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भदौरा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:05 पे और 6:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। भदौरा के बाद ये ट्रेन जो है बिहार में बक्सर स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:29 पे और 6:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद कोटा पटना एक्सप्रेस जो है सुल्तानपुर होकर चलती है आरा जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:30 पे और 7:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिहटा स्टेशन में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 7:58 पे पहुंचती है और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन दानापुर में पहुंचती है रात के 8:23 पे और 8:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कोटा पटना एक्सप्रेस जो वाया सुल्तानपुर होकर चलती है वो अपने आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:20 पे और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ कोटा पटना एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें। और अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।